एबीपीएस न्यूज। अक्सर देखने में आता है कि गांव में विकास न होने का दोष सरकारें सीधे ग्राम प्रधान पर मढ़ देती हैं और इसके जरिए सरकारें कहीं न कहीं खुद को अपनी जिम्मेदारियों से बचा लेती हैं। लेकिन ये हकीकत नहीं है। हमारे देश के ग्राम प्रधान अपने गांव में विकास का हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन सरकार से अपेक्षा अनुरूप सहयोग न मिलने के कारण विकास नहीं हो पाता, जिसका सारा दोष प्रधान के सिर मढ़ दिया जाता है। इसी क्रम में एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बरेली के ब्लॉक बहेड़ी में स्थित उगनपुर गांव पड़ा। लगभग 1300 की आबादी वाला यह गांव जनपद मुख्यालय से 75 किलोमीटर दूर तो ब्लॉक परिसर से इस गांव की दूरी मात्र 25 किलोमीटर ही है। लगभग 850 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। वर्तमान में गांव की प्रधान राजकुमारी हैं, जो गांव को विकास के पथ पर अग्रसित कर रही हैं। वर्तमान समय में गांव में 170 राशन कार्ड धारक हैं। इसी के साथ गांव में 8 विधवा पेंशन, 11 वृद्धा पेंशन व 3 विकलांग पेंशन लाभार्थी मौजूद हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी पाठशाला में लगभग 200 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसी के साथ ही गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए वर्तमान प्रधान ने गांव में 15 हैंडपंप लगवाए हैं तथा विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 80 विद्युत पोल, 1 विद्युत ट्रांसफार्मर व 90 स्ट्रीट लाइटें भी लगवाई गई हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान ने गांव में खडंजे, सीसी टाइल्स रोड, पानी निकासी के लिए नाला, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 120 शौचालयों का भी निर्माण कराया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में बारात घर, आंगनबाड़ी केंद्र, शमशान घाट, पानी की टंकी, पानी निकासी के लिए नाला, मंदिर की बाउंड्री, तालाब, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20 आवास, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय, सीसी टाइल्स रोड व खडंजे के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं प्रधानपति बादाम सिंह, ग्राम पंचायत ओगनपुर, तहसील बहेड़ी, ब्लॉक बहेड़ी, जिला बरेली से बोल रहा हूँ। और अभी पिछले 2 सालों में मैंने जो गांव में कार्य कराए हैं, जितनी निधि मेरे पास आई है वो मैंने सही जगह पर प्रयोग करी है। नाली व खड़ंजे, लाइटें, स्कूल में मॉडल शौचालय, ये कई चीज़ें मैंने जो है बनवाई हैं। और बाकी हमारा जो है सरकार से निवेदन है कि हमारे यहाँ पर एक आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, स्कूल जो है हमारा वो जर्जर है, और जो है कई चीज़ें हैं, बारात घर भी नहीं है हमारे यहाँ पे, और कई नाले उले भी बड़े बनने हैं, और सीसी रोड भी जर्जर हैं, हैंडपम्प का पानी बिल्कुल ख़राब है। सरकार से हमारा निवेदन है कि कम हमें 10 नए नल मिलें ताकि गांव का पानी अच्छा हो, और बाकी अगर टंकी की सुविधा हो जाए तो इससे सरकार को भी बेनिफिट मिलेगा, गांव का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो मेरा यही है, बाकी आवास बहुत गरीब जनता है यहाँ पर, बहुत पिछले कभी 10-15 साल पहले कुछ आवास यहाँ मिले थे, बाकी आजकल बड़ी गरीबी है यहाँ पर, छप्पर में लोग रह रहे हैं, टूटे फूटे घर हैं, कोई आवास नहीं। मेरे यहाँ पर ब्लॉक में कोई नाम नहीं है किसी का, सूची भी दी है मैंने कई बार, मगर वो सरकार के होते सब इधर उधर कर दी जाती है। और बाकी राशन कार्ड की भी यहाँ पर बड़ी परेशानी है, लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, राशन कार्ड उनके अपने आप ही डिलीट हो गए हैं, कुछ नए भी बनने हैं, अभी ऑनलाइन कराए हैं लोगों के नहीं आए हैं, यही समस्या है। जितने हैं राशन उनको राशन मिल रहा है? हाँ, जो राशन है वो तो उन्हें मिल ही रहा है, खैर बाकी पात्र लोग भी बहुत हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। तो मेरा यही सरकार से निवेदन है, अगर इतना हो जाए तो बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। नवल किशोर, उधमपुर के रहने वाले हैं, और हमारे यहाँ के ग्राम सभा के प्रधान बने हुए हैं, वो सब कुछ सही काम करा है अब तक, जिस समय से बने हुए हैं उस समय से अब तक जो समय आया है वो अच्छा ही कार्य कराया है। ठीक है, श्रीमान जी, मेरा नाम धर्मवीर बौद्ध कहते हैं, मैं ग्राम पंचायत का मेम्बर भी हूँ, और आज तक जो भी प्रधान जी ने अपने कार्यकाल में काम किया है वो सब कुछ सही किया है, लेकिन कुछ सरकार से मतलब नहीं मिल रहा है जो सुविधा, वो आपसे अनुरोध है अगर सुविधा मिल जाए तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा आपसे।